अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम थाली का खाना बना रहे हैं, जिसके लिए फर्स्ट रेसिपी शुरू करेंगे आटे से। रेसिपी जो हम पूरी बनाएंगे, इसके लिए मैंने जो है 2 कप मैदा लिया और आधा कप रेगुलर आटा गेहूं का लिया। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाला है और 1 चम्मच जो है मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच जो है टेबल स्पून ऑयल के डाले, ज़रा सा ऑयल को गर्म करके इसको गूंद लिया। अच्छी तरह से गूंद के इसको जो है मैंने इस डो को 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने जो है ये पूरी हमें सॉफ्ट और मज़े की बनानी है, तो हमारे पास टाइम है, इसलिए मैंने 2 चम्मच और ऑयल के डाले और इसको इस तरह से गूप को अच्छे तरह से मिला के इसको रख दूँगी अनदर 30 मिनट्स, अगर हमारे पास टाइम है तो ये रख दूँगी, फिर इसकी पूरियाँ बनाएंगे। ये हमारी पहली रेसिपी है। इसके बाद जो हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, या दूसरी रेसिपी जो है हम आलू बना रहे हैं, आलू की भुजिया। तो इसमें मैंने 4 बड़े बड़े आलू लेके इसको छोटे से इस साइज़ पे काट के रखा है, या आप जिस साइज के भी करें काट के रखें, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इस पैन में मैं पकाऊँगी। ये 4 बड़े बड़े आलू काट के छोटे छोटे पीस करके रखें, ये डाल दिए। इसमें जो है ये 2 टेबल स्पून जो है मेरी क्रश पेपर है वो चली जाएगी इसके अंदर। इसमें 1 टीस्पून जो है मैं कलौंजी डालूँगी, और इसमें जो है टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा। इसमें जो है ये धनिया कुटा पिसा हुआ और ज़ीरा, दोनों 1-1 टीस्पून है, ये दोनों इसके अंदर चली जाएंगी। और 1/2 टीस्पून जो है मेरा गरम मसाला जाएगा। इसमें मैं ऑयल नहीं डालूँगी और इसमें नमक भी अभी नहीं डालूँगी। इसमें मैं 1.5 कप जो है पानी, 1 कप सवा कप पानी जो है इसमें डाल दूँगी मैं। ये पूरा 1.25 कप मैं नाप करके भर के रखा था, ये इसमें डालूँगी। इसको हिला लिया। अब इसको मैं चूल्हा खोल के फुल फ्लेम पे मेरा रखूँगी। जब इसमें बबल आने शुरू हो जाएंगे ना, तो इसको मैं हल्की फ्लेम पे रख दूँगी, तो ये आलू जो है पकना शुरू हो जाएंगे। रहमान रहीम, अब हम आलू की पोजीशन देखें। ये आलू जो हैं हाफ से ज़्यादा डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है इसमें, और 1 टीस्पून जो है मैं कड़ी पत्ते डालूँगी यहाँ पर। टमाटर जो है मैं छोटा छोटा काट के अब इसमें डाल रही हूँ, ये भी। इसको फर्दर 5 मिनट लगेंगे तो ये पूरा डन हो जाएगा, फिर इसको जो है हम इसको हटा देंगे चूल्हे पर से। ये आलू में मिर्चे जो है छोटी छोटी काट के कैप्सिकम डाली है, और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी चला जाएगा। बस ये बिल्कुल, इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं गया, बगैर ऑयल के ये ड्राई है। थोड़ा सा अगर हमें ग्रेवी रखनी है तो पानी डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही रखा हुआ है। पूरा मैशी आलू हो चुका है। ये जो है हमारा पूरी के साथ खाने के लिए बड़ा मज़े का होगा, बहुत मज़े का आलू बना है। इसमें जो है मैं 2 चम्मच जो है लेमन जूस डालूंगी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देती हूँ उसमें। बहुत मज़े का ये आलू की सालन बच चुका है, आलू की भुजिया, ये हमारे पूरी के साथ खाने के लिए है। अब जो है ये तैयार हो चुका है, मैं चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ। हमने चिकन बनाने के लिए पतीला रखा है, इसमें 2 चम्मच जो है टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 बे लीफ डाल रही हूँ इसमें, और 4 जो है ये रेड पेपर डाल देती हूँ इसमें, और जो इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड है, ये सब इसमें चला गया। इसको थोड़ा सा रेड होने दूँ, फिर इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा ज़रा सा गर्म हो जाएगा ना ये, तो हम इसमें ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो उसको पीस के रखा हुआ है, ये ऑयल डाल के वो भी इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला जो है मेरा चिकन के लिए बनेगा,
और फिर इसमें चिकन जो है मैंने एक दो ब्रेस्ट छोटी वाली मीडियम साइज़ की ब्रेस्ट थी, इसको मैंने छोटे छोटे पीस काट के इसमें लहसुन और अदरक डाल के रखा हुआ था एक घंटे पहले, और थोड़ी सी इसमें टर्मरिक पाउडर भी डाला हुआ है, ये डाल के रख दिया है यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए। थोड़ा सा हमें लाइट ब्राउन करना पड़ेगा इस प्याज को, फिर इसमें सारे मसाले जाएंगे। इसमें मैं अब एक टोमेटो जो है छोटा छोटा काट के इस प्याज में डाल रही हूँ। इसमें वन बाय वन मसाले सारे जाएंगे। एक टीस्पून जो है मेरी टर्मरिक पाउडर जा रही है इसके अंदर, एक टीस्पून रेड मिर्च रेड पेपर जा रही है, ये एक टीस्पून जो है धनिया कुटा हुआ पिसा हुआ, और इसमें जीरा भी एक टीस्पून, दोनों साथ रखे हैं, ये चले गए। एक टीस्पून जो है गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, इसमें जो है आखिर में मैं ये डालूंगी थोड़ा सा ये कुट जूलियन काटा हुआ जिंजर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला भुन जाए, इसमें लाए रखवानी नहीं, ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें अब हम ये इसमें डालेंगे थोड़े से फुल फ्लेम पे रख रही हूँ मैं इसको, और इसमें जो है मैंने एक टीस्पून ये क्रश पेपर जो है ग्रीन कलर की वो भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा फिर जिंजर और गार्लिक भी डालूंगी, थोड़ा सा मैंने चिकन में मैरिनेट करके डाला हुआ है रखा हुआ है, ये भी सब चला गया। अब इस स्टेज पर हमें जो है ना थोड़ा सा भूनने के बाद दो तीन मिनट हम इसको भूनेंगे, इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा हमें ज़रूरत पड़े तो ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला बिल्कुल गल जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पके हम जो है ना अपनी ये चिकन डाल रहे हैं। इस चिकन को मैंने दो ब्रेस्ट छोटे छोटे पीस काट लिए, इसको जो है मैंने इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर वो डाल के इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो मैं ऐड करके रखा था, इसी को मैं धोऊंगी नहीं, इसी तरह इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चला जाए। ये चिकन बहुत मज़े की बहुत अच्छी बनेगी, थोड़ी सी बस हम जल्दी बन जाएगी, थोड़ा सा भूनना होगा दो तीन मिनट में, इसको मुझे कंटिन्यू भूनना पड़ेगा इसी तरह। चिकन हमारी जो है डन हो रही है, अच्छा इसमें जो है मैं ये बटर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर चलाएंगे, बटर चिकन है, और इसमें जो है मैं ये हॉट सॉस 1 टीस्पून डालूंगी, और इसमें 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस भी डाल देती हूँ। ये बड़ी मज़े की चिकन बनेगी। और इसमें जो है मेरे 2 टेबलस्पून ये योगर्ट को फेंट के, और इसमें ये भी डाल देती हूँ इसके अंदर,
इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये क्यूब क्यूब से चिकन के काट के रखे हुए हैं, उसमें डाले हैं दो ब्रेस्ट कटी हुई, बहुत मज़े की चिकन बनेगी। और इसके साथ चावल और पूरियाँ और सब चीज़ साथ साथ रखेंगे। इसको फर्दर मुझे 3 मिनट के लिए पकाना होगा ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए, ऊपर ऑयल छोड़ने लगे। चिकन जो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई माशाल्लाह से, बहुत अच्छी हो गई है। इसे मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया थोड़ा ऊपर गार्निश करूँगी। अब ये मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान ने चूल्हा बंद कर दिया, चूल्हा भी बंद चिकन भी बंद। मज़े की लगेगी ये चिकन, ये बोनलेस चिकन है, बहुत मज़े की है। देखिए इसका मसाला भी बड़ा मज़े का बना है, इसको ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी ये रेसिपी है, और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो है मैंने हांडी के लिए तीसरी रेसिपी तैयार की है, अब हम चौथी बनाएंगे माशाल्लाह से। देखें इस चिकन कितनी अच्छी, इस पर थोड़ा सा हम इसमें ऊपर धनिया छिड़क देंगे बस, और कुछ हमें नहीं डालना। ये बटर वाले चिकन रेडी हो गई माशाल्लाह से, इसे जो है ये थाली के लिए तैयार किया है। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया और थोड़ी सी मैंने जुलियन कटी हुई जिंजर डाल दी है, बहुत मज़े की है। इस रेसिपी को ट्राई करना, और जो है हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। चले फिर जो है हम तीसरी रेसिपी के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। रहमान ने अब मैं मसूर की दाल पका रही हूँ, इसमें 2 चम्मच जो मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें जो है 2 जवे जो लहसुन के काट के डाल दिए, इसमें 4 जो है ये 3 रेड पेपर है और 1 बे लीफ है, ये चला गया इसमें। जरा सा ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जो है मैं ये प्याज डाल दूंगी। जरा हो जाए गर्म, ये प्याज है मैंने 1 दरमियान सर की प्याज जो थी इसको छीट के काट के थोड़ा सा जो है पीस लिया था, मोटा मोटा ब्राइन में कर लिया था ताकि जल्दी पक जाए। इसको मुझे 3 से 4 मिनट भूनना पड़ेगा, फिर मैं इसमें मसूर की दाल डालूंगी। ये मसूर की दाल के लिए मसाला बना रहे हैं। अब जो है ऐसी प्याज जैसी हो गई है ना, अब बिल्कुल रेड कलर की नहीं, हल्की हल्की सौते हो गई है। अब इसमें जो है मैं ये टमाटर का प्योरे, 2 टमाटर हैं, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़रा सा पीस के रखा है ये इसमें डाल दूँगी, ये सारा इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सारे मसाले भी मैं डाल दूँगी। 1 चम्मच जो है ये रेड पेपर है, 1 टीस्पून जो है टर्मरिक पाउडर है, 1 टीस्पून जो है मेरा ये धनिया कुटा हुआ मोटा मोटा है ये है, 1 टीस्पून जो है क्यूमिन सीड पाउडर है। सॉल्ट में थोड़ी देर के बाद डालूंगी, और जो इसमें जो है ये थोड़ा सा मैं ये रेड पेपर डाल देती हूँ ऊपर से। अब जो है इसको थोड़ा सा भून लेंगे इस मसाले को। अब इसमें जो है सॉल्ट डाल देती हूँ 1 टीस्पून। इसमें लाल रखमा ले रही हूँ, ये थोड़ा मसाला भून गया। अब इसमें जो है ये दाल मैंने 1 कप भिगो के रखी थी, ये दाल जो है 1 घंटे पहले, ये दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसूर की साबुत दाल है, 1 घंटा भिगो, इतनी सारी फूल गई है, इसे पक के बहुत मज़े की हो जाएगी। ये भी हमारी थाली के लिए तैयार हो रही है। ये मसाला जो है मैंने 4-5 मिनट इसको भूना, भून गया तो इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया 1 टीस्पून। अब जो है मैंने 1 कप दाल जो है भिगो के रखी थी मसूर की, ये मसूर की दाल 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी, इसको भी इसमें डाल रही हूँ। ये जो है दाल पकेगी और इसको जो है एटलीस्ट 10 मिनट तक हमें पकाना होगा। पहले खूब अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, मसाले मिक्स हो जाएगी ना, फिर इसको जो है खूब तेज़ फ्लेम पर रखेंगे। जब बबल्स की शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगी तो हल्के चूल्हे पे रख देंगे, तो 10 मिनट में ये दाल अच्छी तरह से पक जाएगी क्योंकि हमने भीग के रखा हुआ है बहुत ज़्यादा भिगो के।
दाल माशाल्लाह से हमारी ऑलमोस्ट पकने को आ गई है। इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, मैं डाल देती हूँ। अब इसको थोड़ा और ज़रा सा और गल जाए, इसको जो हल्के चूल्हे पे थोड़ा सा रखूँगी, दो तीन चार मिनट और पकेगी। फिर इसके बाद इसके चूल्हे को बंद कर देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे धनिया और हरी मिर्चों का, और ऊपर से तड़का भी लगाएंगे। अभी मैं इसको जो है फिर से कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको चूल्हे को बंद करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो है थाली के खाने के लिए चौथी रेसिपी जो है वो छोले हैं। इसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, गरम किया है इसमें, और 2 लहसुन के टुकड़े जो है वो काट काट के डाले, वो लाल कर दिए हैं। इसमें जो है 4 ये रेड पेपर जा रही हैं, और इसमें जो ये 2 चम्मच जो है मैंने छोटे प्याज को काट के ये भी इसमें डाल देती हूँ, वाइट प्याज को। इसको थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद सारे मसाले भूनूंगी, और इसके बाद जो है हमारे छोले जाएंगे। और वन बाय वन जब ये भून जाएगा तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या मसाले डालते हैं। इसमें मुझे 5 मिनट लगेंगे भूनने में। भगार जो है वो तैयार हो रहा है, देखिए कितना अच्छा है इसके। मैंने 2 चम्मच चावल प्याज भी डाली थी, वो भी हो गई। अब इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। इसमें लाए हमारे 1 टीस्पून जो है मेरी रेड पेपर है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट है, और जो है ये छोटी छोटी कटी हुई 2 मिर्चें जो है मैंने काट के रखी हुई हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, ये भी चली जाएंगी इसके अंदर। बेसिकली ये छोले बन रहे हैं, और इसमें जो है ये धनिया और जीरे का पाउडर भी 1-1 टीस्पून ये भी चला गया। अब इसमें जब मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी वो डालेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर इसके बाद जो है इसमें मैं छोले डालूँगी। छोले के लिए मैं आपको बताती हूँ, छोले का मसाला जो बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, भुन चुका है, तो इसमें मैं ये 1.5 कप छोले जो है मैंने भिगो के रात 1-2 घंटे पहले भिगोया था। इसमें जो है सोडा डाला था खाने का, इसको धो के छोला 2-2 घंटे पीने के बाद वो पानी निकाल दिया सोडा वाले का। फिर इसके बाद फ्रेश पानी डाला, और 2 गिलास पानी डाल के 1.5 कप छोले जो थे वो फूल चुके थे वो मैंने अपने प्रेशर कुकर में डाल दिया। आधे 45 मिनट्स में मेरे प्रेशर कुकर में इन्होंने छोले मुझे गल गया। आपके पास अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप 2 घंटे ज़्यादा पकाएं पतीले के अंदर। इसी तरह से प्रोसीजर से अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये 1.5 कप छोले हैं ये इसमें जा रहे हैं। ये हमारी थाली के खाने के लिए जो 5वीं रेसिपी बन रही है ये छोले। हमने जो है इसके बाद अब पूरियाँ बनाएंगे जिसका आटा हमने बना के रखा हुआ है। इसको जो है मुझे 3-4 मिनट पकाना पड़ेगा ये छोले, तो छोले रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अब रेडी हो गए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह। तो इसमें जो है मैं ज़रा सा ये लेमन का जूस डाल रही हूँ, खट्टा खट्टा मीठा अच्छा लगता है ना। और थोड़ा सा जो है मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी 1 स्पून डाल दिया, सब चला गया। अब जो है इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये पूरियों के साथ बड़ा मज़े की बड़ी अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी है, इसको ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर करना। और अपना जो अभी हम आपको दूसरी ये जो हमारी 5वीं रेसिपी तैयार हुई हमारी थाली के लिए, ये आज हम थाली का खाना बना रहे हैं थाली के। फिर इसके बाद ये छोले जो है रेडी हो गए हैं, इसको मैंने भर के प्लेट में डाला हुआ है, ऊपर से गार्निश कर लिया है, धनिया ऊपर डाला हुआ है, और जो है जिंजर थोड़ा सा ऊपर डाला है। बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और जो रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। ये हमारी थाली की 5वीं रेसिपी बनी है। अब जो है हम जो है उसको पूरियाँ बनाएंगे, इंशाल्लाह तरह दाल को तड़का भी लगाएंगे। बना रही हूँ पूरियाँ, छोटे छोटे पोर्शन लेके आटे के, और इसमें इसकी पूरियाँ बना रहे हैं। बहुत मज़े की सॉफ्ट अच्छी सी पूरियाँ बन गई हैं, और 3-4 मैंने बेल के भी रख ली हैं, और अब एक आपके सामने बेली है। फर्दर एक और बेलती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इतना पोर्शन आटे का लिया है, ये इतना पोर्शन आटे का लेके इसका ऐसा गोल राउंड राउंड बना के इसको ज़रा सा ऑयल में भिगो लेती हूँ, ताकि जो खुश्का गम कम लगाना पड़े, ये सॉफ्ट रहे। ये हो गया,
देखें इसको बेल लिया। ये पूरी बड़ी मजे की, दो दो दिन तक भी ऐसी फ्रेश रहेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा बेलने में मुश्किल होती है, सॉफ्ट आटा रखना पड़ता है, तो होगी, लेकिन एक ये रहेगी, ये फ्रेश अच्छी रहेगी। बन गई, ये तीन चार बन गए। अब मैं इसको मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। एक तो देख आई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें पूरी डाल रही, पूरियाँ बनाई, इसको पूरा जो है ऑयल को खूब गर्म करना होता है पूरी को। पूरी को मैंने इसको बेल के अब रखा है यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ, इसको अपनी छन्नी में डाल दूंगी। ये हमारी चली जाएगी छन्नी में, पूरा ऑयल जो इसमें से निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी अब मैं इसमें डाल चुकी हूँ, ये फ्राई हो रही है माशाल्लाह। देखिए इसको, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, लेकिन ऑयल को बस अच्छी तरह गर्म करना होता है और इसको बेलने में ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए पूरी बहुत मज़े में बेली, सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत बनेगी, अच्छी बनेगी। अगर इसको हार्ड बनानी है तो इसे आटे को हमें थोड़ा हार्ड रखना होगा, तो वो क्रिस्पी की कुर्ची कुर्ची जैसी होगी, लेकिन हमें सॉफ्ट चाहिए थी तो हमने ये आटे को थोड़ा सॉफ्ट करके रखा है। जैसे ऑयल होता है, मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, पूरा ऑयल निचोड़ जाता है। दूसरा इसमें ये पूरी डाल दो, बड़े मज़े की पूरी होगी। आलू छोला बनाए, छोले बनाए, छोले की तरकारी बनाई है, आलू बनाए हैं इसके साथ। वैसे भी ये पूरी अच्छी लगती है, हलवे के साथ भी अच्छी लगती है, सालन के साथ भी अच्छी लगती है। मैंने चिकन भी बनाया है बहुत मज़े का, चिकन क्यूब्स का, उसके साथ चावल के साथ, चावल पूरी, ये सब चीज़ें जो अभी थाली में रखेंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी आज है, लेकिन बहुत मेहनत की भी है। इसको रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और फिर हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, और पूरी को खाकर मुझे गांव में याद रखना, पूरियाँ छोले को खाकर। मेरी पसंद की चीज़ है ये छोले पूरियाँ, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, तो मुझे याद करना गांव में, अपनी गांव में याद करना। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला खैर से रखे। एक और आपको डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ फ्राई कर रहे हैं। आपको बेलना भी आ गया होगा, बेलना भी इसका बहुत आसान है। इसमें से मैं थोड़ा सा छान लेती हूँ, आज इस पे पेपर पे नहीं रखा, पेपर पे सौगी हो जाती है, तो मैंने इस तरह छान ली है। फ्राइड राइस बना रही हूँ अपनी थाली के लिए, थाली के खाने के लिए। इसको मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं, ये गर्म हो गया। इसमें मैं 4 जवे लहसुन के जो छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ। इसमें जो है मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कड़ी ली 1 टी स्पून वो डाल दिया। जरा सा ये हो जाता है ना, हम इसमें ये मैंने चावल जो है 1.5 कप चावल भिगो के रखा था, बासमती चावल, अभी मैं इसमें डालूंगी। तो बासमती चावल धो के भिगो के रखा, इसको 1 घंटे तक भिगोया, फिर इसके बाद जो मैंने गर्म पानी किया, बॉयल कर इसको बॉयल किया, 3/4 साइड, 1 कनी इसका कच्चा रह गया। इसमें मैंने जीरा डाला, नमक डाला, काला जीरा डाला, नमक डाला, मुझे जितना ज़रूरत पड़ती है, 1 टीस्पून मुझे नमक की ज़रूरत थी, और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, और उसमें 2 चम्मच टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिए,
और मैंने इसमें विनेगर डाला एक स्पून ताकि चावल खिला खिला रहे। ये 3/4 चावल जो है पक चुके हैं। अब जैसे ही ये गर्म हो जाता है तो इसमें जो है मैं सारी चीज़ें डाल के अपने चावल पे डाल दूँगी। ये ज़रा सा हो गया है। अब इसमें हम जो है ना हम ये मटर और जीरा वाले चावल बना रहे हैं, तो इसमें 1 कप मैंने मटर ले लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। टीस्पून जो है सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मेरा हॉट सॉस भी जा रहा है चावल। जरा सा पक जाए इसमें हमारा चावल जाएगा। दो टीस्पून के करीब ये कैप्सिकम काट के रखे हैं वो डाल रही हूँ। अब इस टाइम पर हमने जो है ना अपने ये पूरे चावल जो 3 कनी मैंने पका के रखे हैं वो इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये मैंने चावल जो बॉईल करके रखे थे लेकिन थोड़े से कच्चे रखे हैं। इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए और ये दम पर आ जाए। ये फ्राइड राइस बहुत मज़े के बनते हैं। सारे मटर वाले मटर जो है मैंने पूरा 1 कप भर के यानी 1.5 पाउंड ये मटर पूरे होंगे मेरे, ये मैंने इसमें डाल दिए और थोड़ा सा कैप्सिकम डाला है बस। मटर और जीरे वाला चावल बेसिकली तो ये बना है। इसको जो है हमें सिर्फ 5 मिनट पकाना होगा, दरअसल दम पे रखना होगा, उसके बाद जो है हम इसकी हीट को बंद कर देंगे। फ्राइड राइस हमारे पूरे रेडी हो गए माशाल्लाह। अब इसको जो है ये हमारी थाली के खाने के लिए, थाली में जो खाना दिखाएंगे इसमें जो फ्राइड राइस बन गए इसको मैं प्लेट में डाल रही हूँ। देखिए कितने ये मटर चावल और जीरा सा जीरा जो होता है वो डाला है इसमें। बहुत मज़े के राइस है। इसकी ट्राई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और अभी हम आपको जो है फर्दर इसकी बता रहे हैं। देखिए कितनी मज़े की है ये तो चावल, जैसे आदमी खाली खाली भी खा सकता है ये चावल को। ठीक है, ये रेडी हो गए पतीले में, प्लेट में भी रख दिया हमने चावल को। हेलो देखो फ्रेंड्स, हमारी ये थाली रेडी हो गई जिसमें मैंने छोले बनाए हैं, आलू की आलू की कचौरी बनाई है और चावल बनाए हैं मटर वाले, दाल बनाई है, चिकन बनाई है, पूरियाँ बनाई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी है, बहुत आला है, बहुत खुशबू वाली है। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।